मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरी प्यारी किचन से, जहां मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूं अप्पे। वैसे जिनके दो बच्चे होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि एक बच्चा होता है सब्जी खाने वाला, सब कुछ खाने वाला, और दूसरा होता है बिल्कुल सादा नमक का खाने वाला। मेरे यहाँ तो यही हाल है, अप्पे भी दो तरह के बन रहे हैं, एक है सिंपल नमक वाला और दूसरा है सब्जियों वाला। अब तैयारी हो रही है इनके नाश्ते की, तो ये है मेरे रात वाला स्प्राउट्स का घोल, थोड़ा बच गया था तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सब्जियाँ। तो बस सब्जियाँ डाल के बस नमक और काली मिर्च मैं इसमें डालूंगी और इसका बना लूंगी मैं चीला। और लंच में मैं बनाऊंगी टिंडे आलू की सब्जी। मैं बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे कि मटर पनीर बनाऊंगी, कोई नहीं, हरी सब्जियाँ भी पौष्टिक होती हैं और हमें ज़रूर खानी चाहिए। तो ये है सुबह का नज़ारा। और पीयू महाराज तो जैसे कि गायब से हो गए हैं, दो दिन तो हो चुके हैं उसको आए हुए, होंगे कहीं जाने कहाँ। और यहाँ हमारी बन गई है सब्जी, बिल्कुल वैसे सिंपल सब्जी है, इसको मैंने शूट वूट नहीं करा है। लेकिन हाँ, अगर आप अप्पे की देखना चाहेंगे कि अप्पे मैंने कैसे बनाया ना, तो वो आपको मेरे चैनल पर भले ही मिल जाएंगे, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। और लीजिए, हमारा दूध भी उबल गया है, सही टाइम पर हमने सही बटन दबा दिया है और हम जीत गए हैं। पीयू ना सही, मेरे दूसरे मेहमान तो आए हैं, मैं तो कहती हूँ एक ना एक मेहमान आना ही चाहिए। तो आज आई है वानर सेना। पता है इनका बच्चा अभी यहाँ पानी पीने आया था, पर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी तो मैं आप शूट नहीं कर पाई। इनके बच्चे भी यार बड़े ही प्यारे होते हैं। इसे देखिए, इसे पेड़ पर चढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है, आराम से पैर लटका कर पास आई पत्तियाँ खा रहा है। तो भाई यहाँ तो ये मनोरंजन होता रहेगा, हम चलते हैं अंदर, हमें पीने हैं अपने सुबह के शरबत। तो हमारे शरबत अपने जोरों पर हैं, एक के बाद एक मैं पिए जा रही हूँ। और बाहर देखिए मसक्कली मटक्कली हो रहा है, और यहाँ हम बना रहे हैं मूंगफली की चटनी। हम का मतलब है मैं और देबू। देबू आपको पता ही होगा, मेरी नंद के बेटे हैं जो कि यहाँ आगरा में जॉब करते हैं। ये चटनी उनकी फेवरेट है। वैसे इसकी रेसिपी भी काफ़ी आसान है, कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्ची और भुनी मूँगफली के दाने, इन सबको पीस लिया, फिर तेल में राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची का तड़का तैयार किया और इसमें मिला दिया, एंड में डाल दिया थोड़ा सा नींबू और नमक। भाई चटनी वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। अब इस सलाद की ड्रेसिंग की तैयारी हो रही है, जिसके लिए हमने ले लिया है काजू, धनिया, मिर्ची, भुना जीरा, काला नमक, गिरी का बुरादा। थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लिया और अपने सलाद में मिला दिया। भाई इससे तो सलाद का जो स्वाद होता है ना, वो दुगना हो जाता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो वैसे बताऊँ, मेरे यहाँ मैं भी और ये भी, हम दोनों ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंटल करते ही रहते हैं। वैसे मैंने तो एक बात सीखी है कि वज़न कम खाने से नहीं, बल्कि वज़न हेल्दी खाना खाने से कम होता है। आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा, कैसे हैं आप सब? तो आज फाइनली घर में है बिल्कुल शांति, मैं ही हूँ। सब लोग चले गए हैं ऑफिस, स्कूल। ये लोग जब घर में रहते हैं ना, तो मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा बिजी रखते हैं कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो जाता है। मैं अपने लिए फिर टाइम निकाल नहीं पाती हूँ बड़ी मुश्किल से। कल मैंने वो सारा सेटअप करके ना, बड़ी मुश्किल से वो कल शूट करा था मल्टीग्रेन आटे का और वो सारा, और आज तो खैर शांति है। आ रहा है फिर कल संडे, कल का दिन मुझे पता है कैसा जाने वाला है, कुछ ना कुछ हंगामा घर में चलता ही रहेगा, मैं पूरा टाइम बिजी ही रहूँगी। लेकिन निकालेंगे भाई, अपने लिए भी हम वक्त निकालेंगे और निकालना भी चाहिए अपने लिए। तो ये रहा अभी तक का दिन, अभी आएंगे बच्चे, आज वैसे सैटरडे है ना, तो उनकी जल्दी भी छुट्टी है, तो आज के लिए तो पता है मैं बहुत ही खुश हूँ। कल जो मुझे वो पार्क मिल गया ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि आराम से खूब लंबी मैं वॉक कर सकती हूँ। पार्क के चारों तरफ है ना एक पाथ भी बना हुआ है वॉक करने के लिए, बड़ा अच्छा सा, और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम लोग थे क्योंकि मेरी टाइमिंग ही कुछ ऐसी है, तो उस दौरान मैं आराम से वहाँ वॉक कर लूँगी। थोड़ा सा दिखाऊंगी आज आपको, पार्क चलूंगी ना शाम को, फिर आपको दिखाऊंगी। आज मैं पूरा ही ब्लॉग बनाऊंगी, सुबह ऐसे जो हुई एक्टिविटी अभी वो दिखाई, अभी दिन का है, फिर अभी शाम और रात का भी फिर मैं आपको आज दिखाऊंगी। बहुत दिन हो गए फुल ब्लॉग शूट करे हुए, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो अब हो गया है मेरा लंच टाइम, बज गए हैं 2, और देखिए मैं क्या खा रही हूँ। ये आज बना है वही स्प्राउट्स वाला चीला, वेजिटेबल वाला, और ये है हमारी टिंडे आलू की सब्जी, ये है चटनी कौन सी वाली, मूंगफली वाली, और ये है वो सैलेड। ठीक है, आप चिंता मत करिए, ये एक चीला नहीं बल्कि एक और बन रहा है यहाँ पर, और ये देखिए काफ़ी बड़ा ही बन गया है मुझे लगता है, क्योंकि है ना ये लास्ट था तो काफ़ी बड़ा ही हो गया है, तो कोई नहीं चलो। और एक बात और,
और आज मैं देखने वाली हूँ ये पिक्चर। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था ना कि मूवीज़ पसंद करते हैं आपकी वेब सीरीज़, तो भैया मेरे को भी ये ना मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं जल्दी ही, और जो वेब सीरीज़ होती हैं भैया वो बहुत लंबी चलती हैं और मेरा तो बहुत टाइम खोटी होता है उसमें। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे मूवी देख के, खाना खा के। मूवी अच्छी थी, सस्पेंस था, थ्रिलर था, वन टाइम है, देख सकते हैं। अब मेरे को आ रही है नींद और अब मैं सो रही हूँ। फिर इसके बाद जब मैं उठी तो उठते ही सबसे पहले लगती है मुझे भूख, तो फिर मेरे को दिखे ये कटे हुए तरबूज, तो फिर पहले मैंने ये खाए, और फिर जाने का भी टाइम हो रहा था तो फटाफट से फिर मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी है, इसके बाद मैं चावल बना लूँगी, और सब्जियाँ तो मेरी रखी हुई हैं, और देखिए सो के उठ के मेरी शक्ल कैसी हो जाती है। चलिए इसे इग्नोर कीजिएगा। अब हम रिझाते हैं गिन्नी गिलहरी को। तो ये मूंगफलियाँ हैं, अभी मेरे को सासू माँ ने दी थी, उनकी सर्दियों वाली रखी हुई थी, कह रही थी तुम इसे छील के रख लेना और वैसे फ्राई वगैरह करती हो तो खा लेना। तो इसी को मैं लेके जा रही हूँ और मैं रख दूँगी ये गिन्नी गिलहरी के लिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। पता है इन लोगों की जासूसी करनी होती है ना, तो मैं बस कैमरा लगा देती हूँ वहाँ स्टैंड पे और फिर मैं चली जाती हूँ, और फिर बाद में बैठ के इन लोगों की एक्टिविटी देखती हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे किया था। तो देखिए हमारे चावल भी बन गए हैं और दाल तो खैर हो ही गई है तैयार, और शाम का ये नाश्ता भी हो गया है, थोड़े से ये खाए थे मैंने, और बस फिर अब हम चलते हैं। पार्क आ गई हूँ और मेरी वॉक का टाइम शुरू हो गया है। इस टाइम मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं सकती हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाता है और कुछ दिखाई देता नहीं है, बस बीच बीच में लाइटें लगी हुई हैं तो थोड़ा बहुत बस यहाँ से हम देख सकते हैं, और आपको शायद दिख रहा हो कि देखिए ऊपर एक छोटा सा आपको शायद चांद दिखाई दे जाए। फिर बस थोड़ी देर मैंने यहाँ पर वॉक करी और एक इंटरेस्टिंग सा एक पोस्टर भी देखने को मिला कि देखिए लोग अपने जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब 5,000 रुपये वो खर्च भी कर रहे हैं अपने उसी जानवर को पाने के लिए, ना कि कोई नया लाने के लिए। दुनिया में ऐसे ही जीव जंतुओं के प्रति प्यार बना रहे। तो लीजिए मैं घर आ गई हूँ और कल है संडे तो मैं बनाऊँगी कल छोले, तो वही मैंने इसमें भिगा दिए हैं। तो ये रहा हमारा आज का फुल ब्लॉग मॉर्निंग से लेके नाइट तक। अब रात हो गई है और बजने वाले हैं अभी 10। जल्दी से इसको एडिट करके मैं लगा दूंगी शेड्यूल पे और आपको मिल जाएगा कल सुबह ठीक 8 बजे। तो भाई ये है, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोग जाया करिए, मैं आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ। बस माँ आप अपना ओपिनियन रख दिया करिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। डेली का मैंने है ना एक वो भी शेड्यूल कर रखा है, वो भी 8 बजे पोस्ट हो जाता है, तो एक नज़र आप वहाँ पर भी डाला करिए। और कल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं कल छोले बनाऊँगी, संडे का दिन है, देखती हूँ क्या रहता है। और मेरे को एक कमेंट आया था उनका जो है 11 साल के कि भाई वो आप वो बनाइए राजमा तभी शायद पीयू आएगा, वो तो आप देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन हो रहे हैं, अभी शायद 2 दिन पूरे हो चुके हैं कि पीयू नहीं आया है, तो इसीलिए मैं राजमा तो नहीं, अभी राजमा थोड़े टाइम पहले ही बनाया था, तो मैं अब बना रही हूँ छोले इस उम्मीद के साथ कि कल शायद पीयू आ जाए, तो देखते हैं कल क्या होता है। पता है यहाँ ऊपर बैठी हूँ ना तो पंखा भी मैंने बंद कर रखा है, नहीं तो एक आवाज़ सी आती है, तो अब देखिए मैं कितना पसीना पसीना हो गई हूँ। चलिए आपसे सारी बातें तो आज की हो गई हैं, फिर मिलेंगे आपसे। वेट लॉस के छोटे मोटे टिप्स मैं आपको अपने ब्लॉग्स में ऐसे ही मैं देती रहूँगी, और कुछ नया कुछ बड़ा कुछ करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको तो मैं अपनी ज़िंदगी का पूरा अपडेट दे ही रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और क्या क्या होता है। तो फिर चलिए हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।